तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। गीता, देखिए साफ तौर पर लिज ट्रस ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे दौर में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री वो बनी थी जब वहां पर आर्थिक संकट बना हुआ था, अर्थव्यवस्था हिली हुई थी, वो चुनौती वो पूरा नहीं कर पाई, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रही है। लेकिन क्या थोड़ा समय और अगर वो लेती तो ये स्थिति बेहतर नहीं हो पाती क्या? नेहा, अगर इस पोजीशन में कोई भी होता उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता जो इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति अभी है यूनाइटेड किंगडम की उसको ठीक करना। और आप सही कह रही हैं कि अगर वो थोड़ा और वक्त लेती तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन नहीं भी हो सकती थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि जो उनके मिनी कैबिनेट के डिसीजंस थे वो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए और न केवल लोग जो MPs हैं वो भी खासा नाराज थे उस उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर और वो मिनी बजट को लेकर, जिस वजह से आपने देखा फाइनेंस सेक्रेटरी को बदला गया जो वहाँ के मंत्री होते हैं और फिर होम सेक्रेटरी भी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स लिज ट्रस को फेस करना पड़ रहा था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात नेहा जो लवीना टंडन भी कह रही थी और बाकी जितने एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे थे वो ये है कि जब पार्टी की के इलेक्शंस होते हैं तो एक पहला लेवल ऑफ इलेक्शन था जब एमपीज वोट कर रहे थे जिसमें ऋषि सुनाक आगे थे। दूसरा लेवल था जहां पर पार्टी मेंबरशिप यानी कि 1.5 लाख मेंबर्स ने वोट किया जहां पर लिज ट्रस आगे निकली और इसलिए प्रधानमंत्री का पद उन्हें मिला। लेकिन सरकार चलाने में लोगों के या मेंबर्स की जरूरत नहीं, यही इन्हीं MPs की जरूरत पड़ती है और वहां पर ऋषि सुनाक की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई और लिज ट्रस की पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं हुई। इसीलिए लिज ट्रस को काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा जब वो सरकार चला रही थी। अब जो है अगला कदम होगा कि फिर से कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर लीडरशिप खोजा जाएगा, फिर से इलेक्शंस होंगे। मई के जनरल इलेक्शन से पहले कंजर्वेटिव पार्टी को एक ऐसे लीडरशिप को आगे खड़ा करना पड़ेगा जो अपने पार्टी को इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस में जिता पाए या आगे ले जा पाए। सो नेहा, चैलेंजेस बहुत हैं कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही, लेकिन आज के डेट में अगर लेबर का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री बनता है या फिर कंजर्वेटिव्स का, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा यूके की आर्थिक स्थिति को सुधारना। बने रहिए हमारे साथ गीता, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच आपको दिखा रहे थे कि लिज ट्रस ने क्यों दिया है इस्तीफा। पहली वजह, ब्रिटेन में आर्थिक संकट को लेकर उनके ऊपर दबाव था। एक ऐसे वक्त में वो प्रधानमंत्री बनी थी जब वहां पर आर्थिक संकट बना हुआ था, सांसद लगातार उन पर दबाव बना रहे थे और जैसा कि गीता बता रही थी कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं रही थी, टैक्स कटौती का वादा पूरा नहीं किया गया, जो लगातार नागरिक मांग कर रहे थे कि टैक्स में कटौती की जाए वो वादा वो पूरा नहीं कर पाई। विपक्ष के साथ अपनी पार्टी के निशाने पर रही, कंजर्वेटिव पार्टी से वाती हैं, उनकी पार्टी के सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे और इस प्रस्ताव से पहले उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। इस हफ्ते के अंदर नाराज दो मंत्रियों ने छोड़ दिया था पद, इसमें एक मंत्री उनके खुद के कैबिनेट के वित्त मंत्री थे और सबसे छोटा कार्यकाल दरअसल लिज ट्रस का रहा है, 45 दिन का ये कार्यकाल। इससे पहले जॉर्ज केनिंग, उनका कार्यकाल 119 दिन का था 1827, यानी कि एक अलग ही शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। गीता, अब जो अगले प्रधानमंत्री की रेस है उसमें कौन सबसे आगे चल रहा है, बोरिस जॉनसन या फिर सुनक? देखिए, ऋषि सुनक को ऑलरेडी जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, MPs, उनका सपोर्ट काफ़ी था, ऑलमोस्ट 60% सपोर्ट ऋषि सुनक के पास था। लेकिन कहीं ना कहीं जो बोरिस जॉनसन लॉयलिस्ट थे नेहा, वो फिर से बोरिस जॉनसन का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन को भी इतने छोटे स्कैंडल यानी कि पार्टी या पार्टी गेट स्कैंडल या कोविड में रूल्स को वायलेट करना जो काफ़ी देशों में काफी लीडर्स ने किया है, उस वजह से सरकार से जाना जायज नहीं था। तो काफी सारे बोरिस जॉनसन के लॉयलिस्ट्स हैं जो चाहते हैं कि बोरिस जॉनसन फिर से वापस आने की कोशिश करें। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो सबसे आगे जो फ्रंट कंटेंडर्स हैं वो वही हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी के रेस में इस बारी थे, लिज ट्रस और ऋषि सुनक के साथ। सबसे आगे ऋषि सुनक ही नजर आ रहे हैं, उसके बाद अगर आप बात करें तो जेरेमी हंट, जिन्होंने भी इस्तीफा दिया था
बोरिस जॉनसन की सरकार से वो हैं पेनी मॉर्डॉट, बेन वॉलेस जो डिफेंस सेक्रेटरी थे बोरिस जॉनसन की सरकार में, ये फ्रंट रनर्स हैं, कंटेंडर्स हैं। लेकिन आखिरकार नेहा, वापस से अगर सेम प्रोसेस होगा और दो डिफरेंट लेवल्स होंगे, फेजेस होंगे, जहाँ पे एक तरफ एमपीज वोट करेंगे, फिर पार्टी मेंबर्स वोट करेंगे, तो फिर से वही मामला आके अटक जाएगा कि मेंबर्स ने वोट कर दिया जिस इंसान को, वो अगर प्रधानमंत्री बन जाता है और उसके पास एमपीज का सपोर्ट ना हो तो सरकार नहीं चल सकती। इसीलिए आपने देखा लगातार लिज ट्रस के प्राइम मिनिस्टरशिप में भी इस्तीफा दे रहे थे। होम सेक्रेटरी ने आज इस्तीफा दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी को बदला गया जो वित्त मंत्री हैं, क्योंकि जो मिनी बजट था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे वो अनएक्सेप्टेबल थे। कहीं ना कहीं आखिरकार नेहा, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है यूके में, वो बहुत बड़ा रीजन है कि कोई भी लीडर आज अगर आएगा तो उनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा और चाहेंगे लोग कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वापस से कम हो। यूके के कॉस्ट ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसमें किसी भी लीडरशिप को आकर इमीडिएटली कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, और ये जनता को भी समझना होगा, पार्टी को भी समझना होगा। कहीं ना कहीं पेशेंस सब खो रहे हैं और इसमें कंजर्वेटिव पार्टी और अनस्टेबल नजर आ रही है। मेरी सहयोगी लवीना टंडन सीधे लंदन से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। लवीना, इस बात की कितनी संभावना है कि अगला पीएम चुनने के लिए आम चुनाव एक बार फिर से कराए जाएंगे ब्रिटेन में? बहुत बड़ी संभावना है और ये सबसे बड़ी संभावना है। हम ये मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त जब इस देश को सबसे ज्यादा एकता और स्टेबिलिटी की जरूरत है, उसी वक्त यहाँ की जो गवर्नमेंट है जो बहुत बड़े मत से आई थी सामने, तो बोरिस जॉनसन के वक्त बहुत बड़े मत से, बहुत बड़े मार्जिन से ये कहना चाहिए कि टोरी पार्टी जीती थी और ये आशा थी कि ये 5 साल तो जबरदस्त तरीके से निकाल देगी, लेकिन अब तक 2 प्रधानमंत्री गिर चुके हैं। तो जब एक यूक्रेन में वॉर चल रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, मार्केट इतने डावाडोल है, इस वक्त जरूरत है स्थिरता की, इस वक्त जरूरत है एकता की, जो टोरी पार्टी में नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए जो लेबर पार्टी है, जो इस वक्त सीधे इलेक्शन जीत जाएगी, अगर इलेक्शन होता है तो वो बिल्कुल जीत जाएगी, वो कोशिश करेगी पूरी तरह से कि जनरल इलेक्शन की तरफ सारे लोग बढ़े। लेकिन टोरी पार्टी का ये भरसक प्रयास रहेगा कि सबसे पहले तो उन्हें अपना लीडर ऑफ द पार्टी, चाहे जनरल इलेक्शन हो तब भी उन्हें अपना लीडर ऑफ पार्टी तो चुनना ही है, और उसके लिए इन्हें रूल बुक के पास, यानी 1922 जो कमिटी है, 1922 की जो कमिटी है, जिस जो कि मेंबर्ड ऑफ पार्लियामेंट जो कैबिनेट में नहीं है, बैक बेंचर्स जो होते हैं उनकी कमेटी होती है जो रूल बनाती है, उसी ने पिछला लीडरशिप इलेक्शन जो लिज ट्रस और ऋषि सुनाक के बीच में हुआ था वो भी कराया था। लेकिन इस वक्त इतना टाइम नहीं है, देखिए मई में इलेक्शन है, मई में चार्ल्स द थर्ड का कॉरोनेशन भी है, तो अभी तो वही बात थी चल रही थी कि कौन से दिन कॉरोनेशन किया जाए और कौन से दिन इलेक्शन किया जाए जब सरकार ही गिर गई। तो मई में इलेक्शन है, कोशिश ये रहेगी टोरी पार्टी की किसी स्थिर लीडर को वो सामने लाए ताकि कम से कम इज्जत से जनरल इलेक्शन की तरफ से जा चुके। ऋषि सुनाक के समर्थन में कितने सांसद हैं? ऋषि सुनाक इस वक्त कितने सांसद हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि पिछली बार जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में ये चुनाव हुआ था तो ऋषि सुनाक आगे थे, नंबर 2 पे लिज ट्रस थी, नंबर 3 पे पेनी मॉर्डॉट थी। तो अगर 1922 कमेटी ने ये डिसाइड किया कि भाई ये करें कि जो रनर अप था, यानी ऋषि, जो बाकी इलेक्शन मेंबर्स में रनर अप था लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे आगे था ऋषि सुनाक, उनको भी बना दिया जा सकता है। लेकिन आर्थिक संकट लवीना पहले से ही था, अब राजनीतिक संकट भी ब्रिटेन पर मंडरा रहा है।